रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुठे। रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुठे। फजर अजाने सुनकर सोए, मगरिब सुनकर उठे, और एंडो एल है इनका हासा। एंडो एल है इनका हासा, ओएमजी है रोहा। पहले स्टेटस चेक करना है, हाथ को बाद में तोड़ा। और फेसबुक पे तस्वीरों में है ऊट पटांग से हुई है, डीपीएम को फेसबुक पे तस्वीरों में है ऊट पटांग से हुई है, टॉम एंड जेरी डोरेमोन होगी किंग कॉन्ग से हुई है। कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई, डीपीएम को कि कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई, कुछ ने अपनी गर्दन से नीचे की पिक लगाई। बड़ा समझ आया था तू। कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई, कुछ ने अपनी गर्दन से नीचे की पिक लगाई। गर्दन कटी है पिक इनकी, हॉरर फिल्मों के बच्चे, बिन माँ के तो सुनते थे, ये हैं बिन मुंह के बच्चे। और जो थी बारबी डॉल की आई थी, जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। और जिसको प्रिंसेस समझे, निकला वो परवेज प्लंबर। फेसबुक पे है जितनी उनमें अक्सर नकली फोटो, फेसबुक पे है जितनी उनमें अक्सर नकली फोटो, आईडी कार्ड पे देखो जो है देखनी असली फोटो। असली फोटो देखो जैसे अफ्रीका की डायन। अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। और लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुककर, कोई एक दुख है। लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुककर, लड़की कुछ भी टैग करे तो 600 लाइक्स पर आवर। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे रीजन। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे रीजन। ठक ठक कमेंट मुसलसल बढ़ते जाए आनन फानन। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म ना कर लू जीवन। 0 लाइक। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म ना कर लू जीवन। 0 लाइक, बस एक कमेंट है, करने शौक है फौरन। कुलों पे बरयानी से कर तो ले ये सेलिब्रेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। एक करना चले और सुना के फिर आखिर में जो मैंने फरमाइशी नजर में जाना चाहूंगा, देखा रकीब साथ को मैंने गिला किया। रकीब समझते ना, यकीनन इस उम्र में मुझसे ज्यादा ही समझते होंगे। एहतियातन बता देता हूं, रकीब गली का वो आवारा बिल्ला होता है जिसकी नजर आप वाली दूध की प्याली पे होती है।
याद रखना ये तारीख आपको याद रहेगी। तो वापस कतरे की तरफ आ जाता हूं कि देखा रकीब साथ तो मैंने गिला किया, तूने मेरी वफाओं पे क्या जुल्म किया है। कहने लगी कि बेवफा कहना ना तुम मुझे, मैंने तो सिर्फ प्यार में यू कर लिया है। और आखिर में पैगाम किसी ने जो फरमाइश की है कि मोहब्बतों का एक किरदार है बच्चों, जितनी खूबसूरती से आपने मिजाज सुना, अब उसी हवाले से आखिर में एक मिनट की एक नज़्म जो पैगाम की सूरत आपके साथ जाएगी। मैं हमेशा चाहता हूं कि चाहे मिजाज का रंग है चाहे संजीदा मकाम है, ये जरूर पैगाम पहुंचाया जाए, क्योंकि ये वाहिद किरदार है जो महरूमियों का शिकार है। वो किरदार मोहब्बतों का किरदार कौन सा है? वो किरदार है बाप। झिझकता है वो आशा मेरे हर तरफ से रहे हरदम,
जो खुल के रो नहीं पाता मगर से सकता है, जुड़ी है उसकी हर एक खां भगत तेरी मां से। ये बात सच है, मेरा बापन नहीं मां से। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कटके रहता है, वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले है फिर भी मुझे ऐसे चाहता मां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। और आखिरी बंद के पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर है सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बात कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शहीद के लिए, भरपूर गुलाब के फूल। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, बहुत शानदार। और खवातीन हज़रात प्रोग्राम जितना खूबसूरत मिजाज सुन रहे हैं, अब यकीन लोग संतोष हो रहे होंगे। हमें खुद जितना लुत्फ यहाँ आकर आप लोगों को सुनाकर मिलता है, मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरत ऑडियंस है, अपने लिए भरपूर तालियां करते रहेंगे। मैं गुज़िश्ता 12 बरस से दुनिया न्यूज़ का प्रोग्राम है हस्ते हाल उसके लिए लिख रहा हूँ। हमारी काविश ये होती है कि एक भी लफ्ज, एक भी जुमला ऐसा ना आए जिसके बारे में आप ये कह सकें कि ये फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देखा जाता। तो ये है मजाक की असल जो बुनियाद है। चंद पहले अगली दो सफों के लिए जो लोग बैठे हैं उनके हवाले से दो चार शेर फिर तालिबों की तरफ आ जाऊंगा। के जो मंजरनामा चल रहा है कि सिंध हाउस पीपी ने की सांस लड़ाई, सिंध हाउस पीपी ने की सांस लड़ाई, समझ नहीं आई। सिंध हाउस पीपी ने की सांस लड़ाई, समझ नहीं आई। लोटे बिक गए, गवर्नमेंट दिल्ली फिरे दुहाई, लोटे बिक गए, गवर्नमेंट दिल्ली फिरे दुहाई, समझ नहीं आई। और मियां ने लंदन जावन ली जो फिल्म चलाई, मियां ने लंदन जावन ली जो फिल्म चलाई, डील हो रही या दो नंबर रिपोर्ट बनाई, समझ नहीं आई। और रन मुरीदी के चक्कर फायदे चुके हौरे की, रन मुरीदी के चक्कर फायदे चुके हौरे की, तीर और शेर को दोवें टकरे जड़े जवाई। और तालिबानों की एक शेर है कि टीचर जी ने नेट उत्ते जो बीन बजाई, टीचर जी ने नेट पे जो बीन बजाई, समझ नहीं आई। भावे ऑनलाइन सी हुंदी रोज पढ़ाई, और वो भी अपनी जेब के अंदर तंगी रखे,
बांधा किथे, वो भी अपनी जेब के अंदर कंघी रखे, बांधा किथे, जेदे सिर ते गिर के टोटल बाल ले ढाई, समझ नहीं आई। और दो शेर फिर अगली सभा के हवाले से ही है, फिर आकर भाई है कि बाहर शौहर चाहे पाटे खान बने, बाहर शौहर चाहे पाटे खान बने, बेगम हाथों ख्वार ही सारे होते हैं। बाहर शौहर चाहे पाटे खान बने, बेगम हाथों ख्वार ही सारे होते हैं, हर गलती का मलबा इन पे डलता है, घर में ये बुजदार ही सारे होते हैं। घर में ये बुजदार ही सारे होते हैं। और इन लीडरों के बारे में एक और लीडर क्या कहता है कि ये सारे तो कठपुतली है, ये सारे तो कठपुतली है, असली लीडर समझाता है जब ज्यादा बारिश होता है। असली लीडर समझाता है जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, और इसकी बढ़ते यूं उर्दू की सब हदें फलांगने लगती है, जो मार्च में मार्च ये करता है तो कांपे कांपने लगती है। इसकी बढ़के उर्दू की सब हदें फलांग में लगती हैं, जो मार्च में मार्च ये करता है तो कांपे कांपने लगती हैं। और एक और कथा बस अगली विशिष्टों वालों के लिए फिर आपकी तरफ आई रहा हूं कि हैं जितने मर्द सबकी एक जैसी सोच है, लेकिन है जितने मर्द सबकी एक जैसी सोच है, लेकिन जुबान पे कैसे आए जो छुपी दिल में सदाकत है, बजाहिर लाख कह दे काम ये कैसा किया उसने, मगर अंदर से इनका आइडियल आमिर लियाकत है। मगर अंदर से इनका आइडियल आमिर लियाकत है। एक बंदा राती 2 बजे ना गली के शोर की आवाज आई, उठ के बाहर गया, मैं क्या की होया, सारा मल्ला कठा सी उन्होंने कहा ख्याल करी पानी ना पी बैठा, जहरीला पानी आ गया नलकियां, वापस आया बीबी भी आ गई थी, मैं क्या कितने गए तो शोर होया इस बार, कहता कुछ नहीं होया तो पानी पी के सो रहा। मगर अंदर से इनका आइडिया लामिल लियाकत है। नौजवानों के लिए एक शेर दो शेर देखिएगा के काले हम भी तवे के जैसे थे, काले ख्वाहिश कते का माने ख्वाहिश, काले हम भी तवे के जैसे थे, काश औलाद बन गए होते या ओबामा ही काश बन जाते, काले हम भी तवे के जैसे थे, काश औलाद बन गए होते या ओबामा ही काश बन जाते, या परिजात बन गए होते। और दो शेर और इसके हवाले से देखिए कि सब इसके हैं तमाशाई, चाहे गुरु या चेला है, सब इसके हैं तमाशाई, चाहे गुरु या चेला है, छुप छुप के देखते हैं सब टिकटॉक पर जो मेला है। और इन लड़कों के लिए शेर है कि फेसबुक पे फ्रेंड्स रिक्वेस्टें जितनी है सब है लड़कों की, फेसबुक पे फ्रेंड्स रिक्वेस्टें जितनी है सब है लड़कों की, मत पूछ परिजादों ने ये हिजर कैसे खेला है।
ताजा करना लिखा आते हुए रस्ते में, और वहां है एक हसीना से मुलाकात। सिर्फ तो आगे में नहीं होंगे, एक हसीना से मुलाकात के कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यों, कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यूट। उस पर ये पर्सनैलिटी डैशिंग है, कूल है। कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यूट, उस पर ये पर्सनैलिटी डैशिंग है, कूल है। बोला मैं झट से, बोला मैं झट से तुम ही मेरी जान हो आज से। ठीक है ना, ये कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यों, उस पर ये पर्सनैलिटी डैशिंग है, कूल है। बोला मैं झट से तुम ही मेरी जान हो आज से। वो बोली भाई यार आज अप्रैल फूल है। लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी इधर। वाह वाह वाह, वो बोली भाई जान। मकर जी के कहने लगी, मैं लादा तो रुक गया किसे ने। कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यों, उस पर ये पर्सनैलिटी डैशिंग है, कूल है। बोला मैं झट से तुम ही मेरी जान हो आज से। वो बोली भाई जान आज अप्रैल फूल है। और नौजवानों के लिए दो शेर और देख लो कि जिन्नी मर्जी टेंशन आली गल होवे, वाह, जिन्नी मर्जी टेंशन आली गल होवे, ओदे अंदर भी है चस्का लगदे ने। बेशक जिन्नी मर्जी टेंशन आली गल होवे, ओदे अंदर भी है चस्का लगदे ने। की दसा करतूत नवी जनरेशन दे, और जन्नत छड़ के जन्नत मिलदा रब दे ने। क्या कहने, मामा जिन्नी मर्जी टेंशन आली गल होवे, ओदे अंदर भी है चस्का लगदे ने। की दसा करतूत नवी जनरेशन दे, जन्नत छड़ के जन्नत मिलदा लभदे ने। और दो शेर और देखो, टिकटॉक का डांस कते का अनुमान, टिकटॉक का डांस के नीने वीडियो ने की है इनकी हराम, नीने वीडियो ने की है इनकी हराम। कहें ये जवान सब छोड़ छाड़ काम, परे करो सेबो को भी दबा करो आम। कचा बदाम दे दो, मीने वीडियो ने की है इनकी हराम। कहीं ये जवान सब छोड़ छाड़ काम, परे करो सेबो को भी दफा करो आम। और दो चार शेर और नौजवानों के हवाले से यूनिवर्सिटी के मसाइल की तरफ आते हैं कि लोग समझते हैं कि सानू याद जुदाइयां मार रहे हैं, लोग समझते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गई, और इतने नवे सेमेस्टर दिया फिर पढ़ाइया मार गई। और जिन्हू नकल कराई ओदे मैथों बहुते नंबर से। जिन्हों नकल कराई ओदे मैथों बहुते नंबर सन, यानी मेरे पेपर नूं ते सिर्फ भलाइयां मार गईआं। और एडे काले नहीं सा होना, तुप्पे बहुत आ फिर बैठे, एडे काले नहीं सा होना, तुप्पे बहुत आ फिर बैठे, और साड़ी सारी ड्यूटी नूं ते जून जुलाइयां मार गईआं। ये जानिएगा, उसके बाद मुझे नाम लेना है।
एक कानून है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा के नाम है। एक फलसफी का कौल है कि जो शख्स यूनिवर्सिटी के जमाने में कुछ नहीं रह सकता वो जिंदगी भर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है जवानी की रातें मुरादों के दिन। एक और फलसफी का कौल है और वो फलसफी मैं खुद हूं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं या यूनिवर्सिटी में। एक ऐसे ही बुजुर्ग जोड़े का वाकया याद आता है जो यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज थे और कन्वोकेशन से पहले उनका वलीमा हो गया था। अब इसी यूनिवर्सिटी में उनके पोते और पोतियां जेरे तालीम थी। शादी की गोल्डन जुबली पर दादा जान ने दादी जान को यह रुमानवी तकरीर पेश की कि आज की शाम कैंपस के उसी पार्क के उसी बेंच पर मुलाकात की जाए जहां 50 साल पहले दो दिल मिल रहे थे मगर चुपके चुपके। चुनाचे शाम से पहले दादा जान ने बालों को स्याह रंग किया, जीन्स की पैंट पहनी, पोते की मोटरसाइकिल पकड़ी और सरे शाम ही मौका वारदात पर पहुंच गए। और दादी जान यानी अपनी बेगम साहबा का इंतजार करने लगे। जब बहुत देर तक दादी जान ना आई और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। गाना खत्म हो गया मगर इंतजार खत्म न हुआ। आखिर तंग आकर घर वापस लौट आए, सीधा दादी जान के कमरे में गए और गुस्से से पूछा, तुम मिलने क्यों नहीं आई? दादी जान ने शर्माते साहब ये ऐसा मनहूस मौका कभी आने नहीं देते। अगर इन्हें पता चल जाए कि इनकी अदम मौजूदगी में आप पर कोई खुशी का लम्हा वारद हुआ है तो इनका पहला जुमला यही होता है, शकील मुझे पता चल गया है तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। गर्लफ्रेंड्स के जहन में ये खन्नास टूट टूट कर भरा होता है कि ये सिर्फ यही लड़के की जिंदगी में खुशियां भर सकती है। ये बार बार लड़के को बावर कराती है, शकील तुम जब भी उदास हुआ करो मुझसे बात कर लिया करो, शकील तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे मशवरा लिया करो, शकील तुम्हें जब भी कोई बात शेयर करनी हो मुझसे कर लिया करो। हराम है जो आज तक कभी किसी गर्लफ्रेंड ने ये भी कहा हो कि शकील तुम्हें जब भी सिगरेट चाहिए हो मुझे। शादीशुदा लोगों की गर्लफ्रेंड्स को एक ही गम खाया जाता है कि ये जो बंदा इस वक्त अपना मोबाइल ऑफ किए बैठा है यकीनन अपनी बीवी के साथ ऑफ शोर खुशगपियां लगा रहा है। हालांकि कई बेचारे शोहर इसलिए भी मोबाइल ऑफ कर देते हैं कि सुकून से कैंडी क्रश को खेल लें। गर्लफ्रेंड्स को चूंकि और कोई काम नहीं होता लिहाजा इनकी ख्वाहिश होती है कि ये जब भी लड़के को फोन या मैसेज करें आगे से रोमांटिक जवाब आए। ये सख्त गर्मी में भी इत्मीनान से घर में बैठी मैसेज कर देती हैं, शकील को प्यारी सी बात करो ना, और शकील बेबसी से इधर उधर देखते हुए मोबाइल जल्दी से जेब में डाल लेता है कि इस गर्मी में वैगन में रुकू के बल खड़े हुए वो कौन सी प्यारी बात। गर्लफ्रेंड्स में रूहानियत भी कूट कूट कर भरी होती है। ये अक्सर गले में कोई मुकद्दस नाम वाला लॉकेट पहनती है और लड़के के साथ लॉन्ग ड्राइव पर मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के बता रही होती है कि मेरे अब्बा जी को मुझ पर बड़ा इत्मीनान है। ये बड़े वसूल से लड़के को बताती है कि इनके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी होती है। शकील पता है बचपन से ही मुझे लगता है कोई रूहानी ताकत मेरे साथ है, मुझे आने वाले वक्त का पहले से ही पता चल जाता है। मैंने 2015 में ही कह दिया था कि अगला साल 2016 होगा
और शिकवीर तुम्हें हैरानी होगी कि मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आती है कोई अनजानी सी कुवत मेरी मदद को आ जाती है। और शकील अपना सर जाते हुए सोचता है कि बीबी ये अनजानी कुवत अभी तक तुम्हारे सर से धुआं क्यों नहीं खत्म कर सकता। गर्लफ्रेंड्स को अपने स्टेटस का भी बड़ा ख्याल रहता है। आपने अक्सर सुना होगा ये रिक्शा नहीं कहती है ऑटो कहती है, ऑटो भी ऐसे कहती है जैसे ऑल्टो कह रही है। इन्हें अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक होता है। हमारी एक क्लास फेलो थी तो उन्हें भी बड़ा शौक था। तो एक दिन कहने लगी कि वो हमारी एक हमसाई है तो वो उसको तो पता ही नहीं कैसे शवारमा कैसे खाते हैं। जैसे ही उसने शवारमे का पहला बाइट लिया ना सारा शवारमा चोक गया। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि गर्लफ्रेंड बनाने से पहले पूरी तरह तस्दीक कर लें कि आप इस सिराते मुस्तकीम पर चल भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि फी जमाना गर्लफ्रेंड रखना बीवी रखने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं खुद अभी तक गर्लफ्रेंड की नेमत से महरूम हूं। एक दफा कोशिश की थी, अच्छी तरह से रगड़ के क्लीन शेव की, फेशियल करवाया, थ्रेडिंग करवाई, प्लगिंग करवाई और खुशबू लगाकर बड़ी अदा से एक लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की ऑफर की। उस बदबخت ने कुछ देर गौर से मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा मैं कुछ देर के बाद आपको सुनाऊंगा। और अब क्योंकि नसर का दौर भी साथ साथ चल रहा है, मैं खवातीनों का गुजारिश करूंगा डॉक्टर मोहिदुर रहमान साहब से, नहायत शानदार मिजाज निगार हैं, नहायत अच्छी नसर दिखते हैं और हमारी खसूसी दरख्वास्त पर लाहौर से तशरीफ आए हैं जनाब।